जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं हिमांशु कुमार। उस वीडियो में हम लोग विकास लाइफ केयर को शॉर्ट में डिस्कस करने जा रहे हैं। बताएंगे आपको कि विकास लाइफ केयर में जब सब चीज़ अच्छा हो रहा है, जैसे कि आपको पता है कि क्वार्टर थ्री के नंबर भी अच्छे आए हैं और कंपनी इन दिनों अपने बिजनेस को लगातार एक्सपेंड करने में लगी हुई है। जिस तरह से कंपनी विकास लाइफ केयर जो कंपनी है अलग अलग बिजनेसों में अपना स्टेक बढ़ा रही है और उसको एक्वायर कर रही है, तो उसका परिणाम, उसका अच्छा परिणाम कहीं ना कहीं कंपनी पर होते हुए दिख रहा है, क्योंकि कंपनी के क्वार्टर थ्री के नंबर अच्छे आ रहे हैं। क्वार्टर हर क्वार्टर के नंबर पिछले क्वार्टर के मुकाबले बेहतर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल कंपनी का मजबूत होते हुए दिख रहा है। लेकिन उसके हिसाब से कंपनी का जो शेयर प्राइस है उसमें तेजी आते हुए नहीं दिख रही, तो इसी बात को अच्छे से इस वीडियो में समझने के प्रयास करेंगे कि आगे हमें करना क्या है। देखिए, विकास लाइफ केयर में देखेंगे तो आज के दिन तो इसमें तकरीबन 1.5% के आसपास तेजी देखने को मिली, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं। देखिए, ये जो तेजी आप देख रहे हैं ना 1.5% के आसपास, ये कभी कभी 2-3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा चलता है, लेकिन जब आप देखेंगे लंबी अवधि में तो पिछले 6 महीने से देखें तो प्राइस लगातार 6 महीने में देखेंगे तो थोड़ा सा स्टेबली बना हुआ है। पिछले 1 महीने में देखेंगे तो यहाँ भी गिरावट ही देखने को मिलेगा 15-16% के आसपास। एक सप्ताह में देख सकते हैं कुछ खास रिटर्न देखने को नहीं मिला है। एक सप्ताह में भी तकरीबन 3.5% के आसपास चीज़ देखने को मिली है। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये जो पीली वाली लाइन आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं 50 डे का मूविंग एवरेज है। होता क्या है कि जब किसी कंपनी का शेयर प्राइस 50 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर होता है तो उस समय उसमें तेजी आती है। जब इसका प्राइस आप देखेंगे, जहाँ पर देखेंगे कि ये 50 डे मूविंग एवरेज से ऊपर इसका प्राइस निकला है, वहाँ पर इसमें तेजी आया है। और अभी क्या चल रहा है कि अभी प्राइस 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। और अभी ये तो एक साल का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ, अभी एक शॉर्ट टर्म का चार्ट ओपन करेंगे तो आपको आप पाएंगे कि अभी इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है ना, कंसोलिडेट करते हुए थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो यहाँ पर कंसोलिडेट करते हुए नजर आएगा। अब कहना मैं ये चाहता हूँ कि जब तक इसका प्राइस इस 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं निकलता, ये जो शेयर प्राइस है ना इसका, इसके ऊपर निकलना चाहिए, इसके ऊपर ट्रेड करना चाहिए, तब इसमें तेजी आएगी। और पहला जो इसका लेवल रहेगा, रेजिस्टेंस लेवल, ये 50 पैसे के आसपास रहेगा, और उसके बाद प्राइस आ सकता है आपको 5 रुपये का लेवल रहेगा, उसके बाद प्राइस 5.5 रुपये के आसपास तक आ सकता है। ये कब आएगा? जब 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेगा। और कब निकलेगा ये बात कहना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन कंपनी का जिस तरह से फंडामेंटल मजबूत हो रहा है, जैसे यहाँ पर देखेंगे अभी कंपनी के क्वार्टर थ्री के जो नंबर आए हैं, नंबर काफ़ी शानदार है। अभी आपको तो पता होगा कंपनी के जो अभी हाल में क्वार्टर थ्री के नंबर आया, उसमें कंपनी का सेल्स देखिए पिछले क्वार्टर में 128 करोड़ था, अभी बढ़कर 131 करोड़ हो गया। और जब यहाँ पर आप देखेंगे तो पिछले कुछ क्वार्टर से आप पाएंगे कि कंपनी के जो क्वार्टर के नंबर हैं लगातार इंक्रीज करते हुए दिख रहे हैं। और जब सेल्स बढ़ रहा है तो कंपनी का जो प्रॉफिट होता है, जिसको नेट प्रॉफिट कहते हैं, क्योंकि ये टैक्स वैक्स देने के बाद बचता है, तो आप देखेंगे नेट प्रॉफिट में भी कंपनी के बढ़ोतरी होती हुई दिखा है। पिछले क्वार्टर से अभी 8.2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, पिछले क्वार्टर में सिर्फ 2.49 करोड़ था, उसके पिछले 2.34 करोड़ आसपास था। यानी कि कंपनी का जो फंडामेंटल है वो भी ओवरऑल मजबूत होती हुई दिख रहा है। यहाँ पर यदि आसान भाषा में आपको बताना चाहिए तो यहाँ पर आप देखेंगे तो तकरीबन 550 करोड़ से ऊपर की कंपनी है, और इसका जो शेयर प्राइस है बुक वैल्यू से ऊपर ही, कमाल की बात है। और रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए और रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड दोनों डबल डिजिट में। सामान्यतः जो पेनी स्टॉक होते हैं उनका तो सामान्यतः जो आरओई और आरओसी निगेटिव में होता है, लेकिन इसका पॉजिटिव में। और अच्छी बात यह है, कमाल की बात, कि ये डबल डिजिट में, यानी कि 20% से ऊपर है। तो देखिए, इसमें भले आपको थोड़ा समय लग रहा है, मैं मान रहा हूँ बहुत से लोगों के स्टॉक में ये अभी निगेटिव पोर्टफोलियो में स्टॉक निगेटिव में भी चल रहा होगा, लेकिन आपको धैर्य बनाकर रखना होगा। धैर्य बनाकर नहीं रखना चाहते हैं, उब गए हैं, तो आप विकास लाइफ केयर से एग्जिट हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, शेयर मार्केट में पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर विकास लाइफ केयर अभी इसका जो अच्छा रिजल्ट है ना, ये कुछ समय बाद दिखेगा, और आप तब तक नहीं रुकना चाहते तो आप विकास लाइफ केयर से एग्जिट कर सकते हैं। आपके लिए फिर दूसरा कोई विकल्प है नहीं। तो विकास लाइफ केयर के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई, मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मन में कोई सवाल है तो उस कमेंट में जरूर पूछेगा। पर्सनली मुझसे जुड़कर बातें करने के लिए आप मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आपके पास शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट नहीं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप एंजल वन या MStock के साथ फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।